कुशीनगर जिले के थाना कुहिराज पुलिस ने एक बार फिर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश करने में बड़ा सफलता हासिल किया है, जिसमें एक स्कॉर्पियो वाहन से तस्करी कर बिहार में बेचने के लिए ले जाई जा रही 336 पैक फ्रूटी ऑफिसर्स चॉइस अंग्रेजी शराब वाहन सहित कीमत लगभग 12,35,000 रुपए के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में आइए जाने क्या बोले CEO तमकुहिराज अमित सक्सेना। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण और परिवहन पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज तमकुहिराज पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी से तस्करी हेतु ले जा रहे कुल 7 पेटी अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इसके साथ उन्होंने दो अभियुक्त लालू कुमार जो वैशाली जिले के रहने वाले हैं और पवन कुमार जो समस्तीपुर जिला बिहार के रहने वाले हैं, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।